आज की राजनीतिक परिस्थिति है। इस राजनीतिक परिस्थिति में आप सब लोगों से कुछ आग्रह करने के लिए आए। जब जब आपने हमने कहा या आपने साथ दिया, लेकिन आपने भी देखा होगा कि हम लोग संघर्ष के समय, क्योंकि आप हर संघर्ष के गवाह रहे हैं, कभी हमने पटना बुलाया, कभी सीतामढ़ी बुलाया, हमेशा आप लोग आए, हर संघर्ष के आप गवाह रहे। संघर्ष के दिनों में जिन मुद्दों को हमने उठाने का काम किया आपके साथ, जिंदाबाद इनकलाब, जिंदाबाद का नारा लगाने का काम किया, सत्ता में जाने के बाद भी उपेंद्र कुशवाहा उन मुद्दों को भूलने का काम कभी नहीं करता है, यह आप लोगों ने देखा। हमेशा उन मुद्दों को हम याद रखते। अभी हम आए थे इस कार्यक्रम के पहले, सीतामढ़ी में हम आए थे जब शहीद रामफल मंडल साहब की जयंती थी, जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम था उनके गांव में हम लोग गए थे, और वहां जाकर कुछ देर रहे। कार्यक्रम में सभी पॉलिटिकल के पार्टी के लोग वहां, जैसे गंगा स्नान करने के लिए लोग जाते हैं डुबकी लगाने के लिए, तो उस धरती पर सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग उपस्थित थे। लेकिन बाकी लोगों की बात मैं नहीं करता हूं। उपेंद्र कुशवाहा वहां भी जाकर जिन चीजों को उठाने का काम हमने वहां किया, उसके पहले भी शहीद रामफल मंडल को जो सम्मान मिलना चाहिए पूरे प्रदेश में, यह सम्मान अभी तक नहीं मिला। वहां सभी राजनीतिक दल के लोगों ने यही बात कही, सब लोगों ने कही। अब बाकी लोग सिर्फ वही कहते हैं, आगे जाकर भूल जाते हैं, याद रखते हैं, आप जानिए। लेकिन हम लोग उन दिनों वहां भी हम लोग याद रखे हुए थे, पटना में भी हमारे साथ ही यहां से गए, और महामहिम राज्यपाल से मिलकर भी शहीद रामफल मंडल साहब का सम्मान कैसे आगे रहे, कैसे आगे आने वाली पीढ़ी उनको याद करे, इसके लिए जो कुछ भी हो सकता था हमने आग्रह किया। और आज भी हम इस मन से कहना चाहते, उस वक्त हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से कुछ मांग रखी, उसमें एक प्रमुख मांग थी सीतामढ़ी में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज बन रहा है, प्रस्तावित है, शहीद रामफल मंडल मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यह मांग हमने तब भी रखी थी और आज भी इस मन से इस मांग को हम दोहराते हैं। भाइयों और मित्रों, जब जब जो बात हमने कही, क्योंकि हमारे लिए अलग बात है कि कुछ लोग अलग अलग तरीके से आरोप लगाते हैं जिनका स्वार्थ नहीं सत्ता है। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में है तो कुछ विशेष मिशन को लेकर है, अपने स्वार्थ के कारण नहीं। अगर स्वार्थ के कारण उपेंद्र कुशवाहा होता तो राज्यसभा 4 साल से ज्यादा समय बचा हुआ था, सदस्यता छोड़कर सड़क पर नहीं आता। भारत सरकार के मंत्री पद की कुर्सी छोड़कर कोई वार्ड का मेंबर है तो छोड़ना ही नहीं चाहता है, और भारत सरकार का मंत्री पद, राज्यसभा की सदस्यता छोड़कर नहीं आता। और इस बार भी जब राजनीतिक लाइन हमने बदलने का काम किया तो मुझको लगा कि नैतिकता कहती है कि हम बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद में सदस्य हैं, उस जगह को त्याग कर हमको जनता के बीच जाना चाहिए। हमने एक क्षण भी देर नहीं किया और बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देकर हम चले आए। हमने कभी व्यक्तिगत जो इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, जो स्वार्थ होता है, उसका ख्याल नहीं किया। हमने हमेशा जनता के सवालों को का ख्याल करने का काम किया, और आगे भी हम आपसे आग्रह करना चाहते। अभी यहां से कई तरह की बात की गई, आज देखा हमने कि अखबार में या किसी मीडिया में यह भी छपा है, और एक साथी ने यहां से बोलते बोलते कह दिया कि अपनी पार्टी का उम्मीदवार होगा तो 4 लाख से जीतेंगे। भैया, अपनी पार्टी के उम्मीदवार का क्या मतलब है? हमारा मिशन आज की तारीख में, जो आज का मिशन है, वह मिशन है भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर कैसे फिर से नरेंद्र मोदी जी को बैठाने का काम।
यह मिशन है। और इस मिशन के लिए सिर्फ एक लोकसभा क्षेत्र में एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह हमारी पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, इससे यह मिशन नहीं पूरा होता है। मिशन पूरा होगा तब जब 40 में 40 बिहार में जिताकर आपकी मदद से हम लोग नरेंद्र मोदी जी की झोली में देने का काम करें। तो यह मिशन हमारा है और इस मिशन को लेकर अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में कभी भी व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होनी चाहिए, जाति केंद्रित राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। राजनीति हो तो लोगों का हित कैसे सधे, जो मुद्दा आपका है, जिस विचारधारा की हम राजनीति करते हैं, उस विचारधारा को कैसे मजबूती से आगे बढ़ाया जा सके, इसके लिए राजनीति होनी चाहिए। और हम और हमारी जमात के लोग इसी के लिए राजनीति करते हैं, व्यक्तिगत हित की राजनीति नहीं करते, जाति हित की भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, यह बात ठीक है कि अगर समाज में किसी जात के लोग पीछे हैं, जिनको राजनीति में हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिली ठीक से, उनके लिए हिस्सेदारी की बात जरूर होनी चाहिए, यह संविधान सम्मत बात है। लेकिन ऐसा करते हुए और भी कौन कौन वंचित समाज के दूसरे लोग भी हैं, दूसरी जात के लोग भी हैं, सिर्फ आप ही के जात के, मेरी जात के या कुछ एक दो जात के लोग नहीं हैं, बल्कि तमाम दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, बहुत सारी जातियां हैं जिनको अभी तक राजनीतिक भागीदारी जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है। सबकी बात करनी पड़ेगी तभी जाकर आपकी भी बात हो पाएगी। अगर अकेले अपनी बात कीजिएगा तो कभी संभव नहीं, कभी संभव नहीं। सबकी बात, जो भी दबे कुचले लोग हैं, तमाम जाति धर्म के लोग जो अब तक वंचित हैं, जिनको सत्ता में ठीक से भागीदारी नहीं मिल पाई, जिनको हक नहीं मिल पाया, वैसे तमाम लोगों की बात करनी पड़ेगी, तब जाकर बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी। और वैसे लोगों की बात सबकी बात बने, इसके लिए डॉक्टर लोहिया की उस बात को याद रखना पड़ेगा कि जात से नहीं, जात से जमात की ओर हमको चलना पड़ेगा, जात से जमात का निर्माण करना पड़ेगा। तो जात से जमात का निर्माण कैसे हो, इस पर ध्यान हम सब लोगों का केंद्रित होना चाहिए। और लोग भी हुए प्रदेश में जिनको बिहार की जनता ने कितना समर्थन किया था, कितना समर्थन किया था, लेकिन कहां चले गए, जात जात करते हुए कहां चले गए। जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चा यहां से हुई, जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी के बाद बिहार की जनता ने, आप सब लोगों ने मिलकर जिनके ऊपर भरोसा किया, जितना बड़ा समर्थन लालू जी को मिला उतना बड़ा समर्थन जन्ना कर्पूरी ठाकुर जी को भी नहीं मिला था। तमाम जात धर्म के लोगों, तमाम दबे कुचले पिछड़ा अति पिछड़ा दलित समाज के लोगों, सब लोगों ने साथ दिया, इतनी मजबूती से लोगों ने साथ दिया, लेकिन लोगों का जो साथ मिला, समर्थन मिला, क्या हुआ, कहां से चले थे, कहां पहुंच गए, चले थे कहां से, गंगोत्री से चलते हुए और एक सीधे जो गांव का नाला होता है वहां तक पहुंच गए। तमाम जाति के लोगों ने साथ दिया, दबे कुचले शोषित पीड़ित सब लोगों ने, लेकिन करते 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 आज सच बात यह है कि वास्तव में यादव समाज के भी सब लोग लालू जी के साथ नहीं खड़े, क्योंकि परिवार में सीधे सीमित हो गए, सीधे परिवार में सीमित हो गए, तो कहां चले गए, कहां से चले थे, समर्थन इतना बड़ा मिला था और चले गए, परिवार में सीमित हो गए, और परिवार में भी सीमित हो गए तो एक पुश्त के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए, पुश्त दर पुश्त के लिए कैसे इंतजाम हो जाए, इस काम में दोनों हाथ से लग गए, दोनों हाथ से लग गए। नतीजा क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ, आज जिस तरह की परेशानी झेल लें, जिस तरह की परेशानी झेल लें, बीच में तो एक परिस्थिति बन गई थी
हमारे बड़े भाई नीतीश कुमार जी भी जब उनके साथ चले गए हम लोगों ने माथा ठोक लिया था, क्या हो रहा। हमने बार बार उनको सचेत करने का प्रयास किया, बार बार उनसे आग्रह किया कि कम से कम ऐसी भूल मत कीजिए। उस वक्त जो जो बातें हमने कही थी तमाम बातें आज सच साबित हुई। जितनी बात हमने उस संदर्भ में उस समय कही थी तमाम बातें आज सच साबित हुई। लेकिन हमें खुशी है और इस भरे मन से नीतीश कुमार जी ने फिलहाल अभी एक सप्ताह पहले जो निर्णय लिया हम उनका साधुवाद करते हैं, उनको हम हृदय से धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन बीच में जो भटकाव आया था उस भटकाव के कारण जो रास्ता जिस रास्ते पर नीतीश जी बढ़ चले थे वह बिहार के हित में नहीं था। 2005 के पहले की स्थिति बिहार में लौट आए, हमने कहा उस समय कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, जितनी विपरीत परिस्थिति का सामना करना पड़े कर सकता है, लेकिन 2005 के पहले वाली स्थिति में बिहार लौटे यह कभी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमने कहा उस समय। तो चलिए हमें खुशी है कि फिर से रास्ता में बदलाव हुआ और बिहार आज सब लोगों के मन में राहत की सांस आई।